ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਣਾ ਛੱਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਸਰ ਪੀਆ, ਔਰ ਅਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मुज़ाकरात और दुनिया न्यूज़ के देखने वालों को हमारी तरफ से चांद रात मुबारक हो। और हम माजरत चाहते हैं कि आज चांद रात के मौके पर आपको हमारी तरफ से ये तकलीफ सहना पड़ी। नए पाकिस्तान में जहां इतना कुछ हुआ, वहां आज ये भी हो गया। जी सर, आप तो सुना ईद वाले दिन भी ढोल किराए पे देते हैं। आपको देख के लगता वाकई आज चांद रात है। अच्छा, आपने रात जैसी वेस्टकोट पहनी है और चांद इधर बैठा है। कहाँ से तैयार हुई है चांद रात? बस मैं खुद ही तैयार हुई। खुद ही एडा सोना नहीं तो तैयार हो सकती। और इन चांद रात दी करम भाई खुशी सी, ब्यूटी बॉक्स ना तैयार नहीं हुई, बाल्टी च मेकअप पा के। लड़कियों की होती है ना चांद रात के, मेहंदी लगानी होती है हमने, फिर चूड़ियां पहननी होती है। लड़कियां नहीं होती, तू आवे मैंने जिद की मैं साड़ी पानी। लीजिए फिर आज के शो के मेहमानों को बुलाते हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है एक जबरदस्त फिल्म की कास्ट ने, जो कि 21 जून को रिलीज होने जा रही है। फिल्म का नाम है बाजी, और इस फिल्म की तरफ से पहले एक्टर जो कि सबसे सीनियर भी है इस कास्ट के अंदर, आप सबकी तालियों में जनाब नैयर एजाज। हमारे दूसरे मेहमान, हमारे ही साथी, जिनकी आज यहां पर ना होने की वजह से हमें यह बर्दाश्त करना पड़ा। जी हां, अपनी चौथी फिल्म करने जा रहे हैं वो, और कमाल ही एक्टर हैं और अब बनते ही जा रहे हैं। इस सीट पे आप उनको भी देखेंगे। आप सबकी तालियों में हमारे डीजे और आपके बहुत ही पसंदीदा जनाब मोहसिन अब्बास हैदर। हमारी तीसरी मेहमान, इस फिल्म की हीरोइन जो कि एक सुपर मॉडल भी है, मोहतरमा आमना इलियास। और अब बुलाते हैं इस फिल्म की मेन लीड को, जो 21 तारीख को पूरे पाकिस्तान की बाजी बनने जा रही है, मोहतरमा मीरा जी। शो जी, थैंक यू। मैं सबसे पहले ये दुआ करता हूँ कि जो आपकी फिल्म लग रही है, अल्लाह उसको कामयाबी दे। और एक शेर मैं लाया हूँ मैडम के लिए। सुना है कल ईद होगी जी। सुना है कल ईद होगी, हमें भी कल किसी की दीद होगी, मगर महंगाई के इस गलगले में, मगर महंगाई के इस गलगले में हमारी ईद भी बेदीद होगी। केड़ा आके बंद बुए नू खोलेगा, केड़ा आके बंद बुए नू खोलेगा, मीरा जी ताड़े वर्गी अंग्रेजी केड़ा बोलेगा। चौधरी साहब भी अंग्रेजी बड़ी बोलते ने, पर तुहानू वेख के अंग्रेज भी बुआ ढोलेगा। वाह लड़के वाह। मेरा शेर तो मेरे भाई रोशन के लिए। उसे देख के हम आहें भरेंगे, वो जितना भी जुल्म करेगा हम नहीं डरेंगे। मुज़ाकरात में हजार मर्तबा मेहमान आओ मोहसिन, वाह खुदा की कसम फिर भी इज्जत नहीं करेंगे। मोहसिन आप वहां बैठे हैं, आपको कुछ मुख्तलिफ लग रहा है?
हाँ एंगल मुख्तलिफ लग रहा है, ये तो सोने लग रहे हैं नहीं तुम फिल्म स्टार नहीं लग रहे थे। आपने एक की है, मैंने चार कर ली है। चाइना से रीना लगी चाइना ये बताइए नैयर भाई क्या हालचाल है आपके? आपकी दुआएं। आप तो मैं कहता हूँ रिन्यू होके आए हैं, क्या किया आपने? ये कुछ भी नहीं, बस वो एक फिल्म करनी है जो सितंबर में उसकी शूट है, वो कुछ इंटरनेशनल टाइप काम है। अच्छा, उन्होंने एक मेजरमेंट दिए कि जी आपको पहले अपनी जो चीजें इस तरह से ठीक करनी है, अच्छा उसके बाद शूट पे जाना है, तो वो अब बस आप बाहर जब फिल्म करने जाते हैं तो अपनी चीजें ठीक कर लेते हैं, तो ये खराब चीजें हमारे साथ ही होती हैं सिर्फ? नहीं, यहाँ भी जब जो जिस तरह का रोल होता है कोशिश तो करते हैं उस तरह का बनने। हाँ, मगर ये वाला आपने जो एक लड़का निकाला है बीच में से, ये खास तौर पे बाहर वालों के लिए है। बाहर वालों के लिए क्यों मीरा जी, आपको लगा ये जो इन्होंने बाजी फिल्म में जो इनकी ग्रूमिंग और जो इनका काम है बहुत जबरदस्त, लेकिन फिल्म का नाम बाजी है तो सिर्फ बरनोई देख सकता जी बाजी, क्योंकि सर जी उन्होंने तो नहीं ना जाना कि चलो जी सारे दोस्त चलो यार अब जाके बाजी लेके आइए। यार अभी से एम ही नहीं कह सकते कि दुआ करो साड़ी बाजी हिट हो जाए। अच्छा, इसलिए ये जो खतरा था इससे आगाह किया गया था साकिब भाई को, हाँ। नाम रख रहे थे फिल्म का, तो हमें अंदाजा था कि इसमें झुकने भी होंगी, इसमें मीम्स भी बनेंगे सोशल मीडिया पे, और वो उसका आगाज उन्होंने कर दिया। अच्छा भाई सीरियस बोलता भी कार्टून जी लगन नहीं करेंगे। एक गल मैं दसा जी, फिल्म जो आएगी लगेगी इंशाल्लाह, एच मैं ते मोहसिन ने बड़ा बोल्ड रोल किया, और जो तुम सैनमे च देखोगे तुम मजा आएगा, और माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह मोहसिन ने ग्रूम किया बहुत घट लोग उस तरह ग्रूम। सर सर मोहसिन भाई दी असि माशाल्लाह फैन नहीं यार, कोई खुदा के लिए खौफ कर लो, आज उसके साथ हिरमिन बैठी हुई है, आप क्या कर रहे हैं? आमना आपको कैसा लगा? चलो उनको दुख रहा है, आप बताइए मोहसिन के साथ काम करके। सच बताऊं? जी प्लीज, जी प्लीज बताइए। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा मोहसिन, सच बताइए ना। नहीं सच बता, अरे सच बता रही हूँ भाई, हेलो भाई, वो उनके एक्सप्रेशन उनके अल्फाज का साथ ही दे रहे हैं। इनके साथ बस काम करके ये कि बोलते नहीं है बिल्कुल भी, अच्छा ये सिर्फ सीन में बोलते हैं, अच्छा लेकिन ये एक टेरिफिक एक्टर हैं, इनके साथ काम करके मतलब मुझे एक ये बहुत अच्छा एक्शन देते हैं जिसका रिएक्शन बहुत अच्छा निकलता है। तो आपके ख्याल में इनको बेहतर क्या करना चाहिए अपने काम के बारे में? उल्टबाजी लानी इनको बेहतर इनको बेहतर क्या करना चाहिए? इनको ऑफ कैमरा भी बोलना चाहिए, ऑफ कैमरा भी थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। नहीं नहीं ये किसी किनारे में नजर आते हैं पुशअप लगाते हुए बस। ये मोहसिन जी क्या मसला है आप, क्यों नहीं हमने ऐसा लड़का तो नहीं भेजा था, हमें शिकायत क्यों मौसूल हुई है? ऑफ स्क्रीन एंटरटेन तो नहीं ना करना मैंने? नहीं क्यों नहीं भाई, वो हीरोइन है, अब उनका मूड ना बना रहे, क्या मेरे से एक्टिंग नहीं हो रही है? मेरा मूड बनाया करो, ये क्या मतलब आप पूरा काम करके आए ना, ये क्या बोलते पिते का ऑपरेशन होया थोड़ा, ये क्या बात हुई कि कोने में जाके आप खड़े हो जाते हैं, क्या कोई पनिशमेंट मिलती है आपको? नहीं नहीं यार, जो फिल्म का नाम बाजी है तो बाजी अगर बंदा बोलता चंगा लगता। आप लोग तो मोहसिन के साथ काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको पता है कि डाइट कितनी है? कितनी है ये खाते कितना है? अच्छा, बहुत ज्यादा, बस एक टेबल लगी हुई थी जो भरी हुई थी खाने। अच्छा मेहमान चार बैठे ना, लग रहे हैं मोहसिन में गरीब फैमिली से बन रहे हैं। मैं घर का हूं इसलिए। मगर मुझे एक बात बताएं आमना जी, जी आपने दो मीरा जी के साथ काम किया पहली दफा, हाँ तो आप बताइए कि वो कैसा लगा? मीरा जी के साथ काम करके मैं बताऊं, इट वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। एक बात, इन्होंने जितनी फिल्में की हैं उसके आगे हमने तो कुछ भी नहीं किया, तो इनका एक्सपीरियंस इनसे सीखने को इतना मिला। ये जब ऑफ सेट जैसी भी हो, मेकअप रूम में जिनका मूड अच्छा हो ना हो जो भी हो, बट व्हेन शी इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा शी इज सो प्रोफेशनल, मैंने इनसे ज्यादा प्रोफेशनल एक्ट्रेस नहीं। इन्हों की वजह तो मेरे वाला साहब मेरी लड़ाई हुई मीरा जी की वजह। वो क्यों? इन्हों का एक प्रोग्राम सीखा कौन बनेगा मीरा का पति, अब्बा जी टीवी पे रहे कहते मैं जी, मैं बह जाओ आराम ना तेन मदद मीरा जी, मुझे बताएं कहां 96 से स्टार्ट हुआ वो सफर, और इतनी फिल्में कुछ 100 से ऊपर फिल्में आपने कर ली, उसके बाद अब ये एक फिल्म बिल्कुल एक नए दौर की फिल्म, नए ये देखें साथ आपके यंगस्टर्स हमारे जो नए स्टाइल की एक्टिंग कर रहे हैं, कैसा लगा आपको इस सेटअप में आने? हम तो सीखते आए हैं और इन सबसे सीखने का मौका मिला। मोटरसाइकिल बाजी फिल्म में इन सब ने जो काम किया है, जैसे मोहसिन ने जिस तरह काम किया, इतना मुतासिर किया इनके काम ने मुझे,
और हर सीन जग ला ली इन्होंने अपने। हाँ बिल्कुल, आगे मेरी तारीफ सुन ले। मैं वैसे एक बात बता दूं, ये स्क्रीन पे आग लगाएगा। हाँ स्क्रीन पर आग लगाएगा मोहसिन, और सेकंड पे रामना ने इतना अच्छा काम किया, एक्शन और रिएक्शन, और रामना इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती थी, मैं इनके काम में मगन हो जाती थी, बिकॉज जब ये सीन करती थी तो मैं अपना काम भूलने लगती थी, इतना जबरदस्त इन्होंने काम किया। एक एक्ट्रेस जो हमेशा मुझे बहुत मुतासर करती थी और जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, हमेशा उनसे मैं सीखती भी, शबाना आजमी साहिबा। तो जब मैंने इनका काम देखा तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि उस लेवल का ये काम, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और नैयर एजाज साहब तो आप पूछे ही ना कि काम की यूनिवर्सिटी है। नैयर एजाज साहब तो यूनिवर्सिटी है ना, बिल्कुल यूनिवर्सिटी है, और हमेशा मैंने इनसे सीखा है। तो आपको ये इंसान से यूनिवर्सिटी बनने का सफर कैसा लगा? अच्छा अच्छा